तो आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं। जैसे वहां पे होता है कि सब चीज मतलब ओपन होता है, किसी से शादी करो, किसी के साथ रहो, रोक टोक नहीं होता है। कोई लड़का के लड़का लड़की के साथ घूम सकता है, लड़की लड़का के साथ घूम सकता है, इसमें कितना सच्चाई है? खुले ओपन करता है। जैसे बिहार में भी तो कोई कोई होता है ओपन होता है, वैसे भी मतलब सेम टू सेम है। हाथ नहीं लेते तो हाथ उधर ऐसे पकड़ता है, उसमें मतलब किस करता है, अजीब जैसे व्यवहार करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने ये वो लड़की है जो कि रशियन गर्ल के नाम से मशहूर है, और ये नेपाल से चल के बिहार में आई है, और यहाँ पे आके एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, और डांस करके जो भी होता है खर्चा अपने घर पे भेजती है, जिससे इनके घर परिवार चलता है। आप नेपाल से यहाँ पे कैसे आ गए? नेपाल से घर में पढ़ाई कर रहे थे 10 में, तो पापा बीमार थे, तो अच्छा, उसमें से एक हमारी ग्रुप की एक लड़की थी जो डांसर थी, तो मतलब ये हीरोइन का बोल के हमको उनके साथ मतलब आई नहीं मतलब आपकी जो सहेली थी वो आपको यहाँ पे लेके आ गई, तो कोई सहेली के साथ कैसे आ सकता है घर छोड़ के? थी। एक नहीं होता है चाह सपना, जो सपना जब सामने आदमी ऑफर कर रहा है तो कौन नहीं जाएगा। तो पहले से यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही थी क्या? कौन वो हाँ, कर रही थी बट हमको नहीं बोली, आपको क्या बोली थी? हमको बोली कि तुमको तो डांस करने का बहुत शौक है, उधर हीरोइन बन जाओगी, डांस कर रहे हैं, चलो एल्बम ऑर्केस्ट्रा अच्छा, आपको मतलब झूठ बोल के यहाँ पे लाई कि हीरोइन बनाऊंगी, और यहाँ पे ला के ऑर्केस्ट्रा में आपको रख, लाइन में छोड़ दे। कौन से ऑर्केस्ट्रा में और कहाँ पे थी, और पहले बार आपका क्या यहाँ पे वो था? जैसे ऑर्केस्ट्रा में पहले बार कोई आता है तो उनका मतलब सोच अलग होता है, वो अलग अलग माहौल में आ जाती है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत से पब्लिक था तो डर भी लग रहा था, तो गंदा गंदा बात भी कमेंट कर रहा था, तो हम अंदर जाके उनको बोले कि हम एक काम नहीं करेंगे, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोले कि एक मालिक नहीं होते सांटा बांधते हैं, और उसमें सांटा बांधते ठीक है, तो सांटा बांधते तो मालिक की जब तक सांटा नहीं खत्म होता है तो नहीं भेजते, तो उसको बोला कि तुम रहना पड़ेगा। आप पहले नेपाल में थी तो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के नाम सुनी थी, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा होता है, नहीं नहीं नेपाल में ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है। यहाँ पे आप आई है और सीधा डांस में चले गई। हाँ आप जब पहले बार डांस में गई होंगी तो लोग छेड़खानी भी करते हैं, पैसा पकड़ाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं, कोई हाँ मुंह में ही पैसा पकड़ाता है, उस समय आपको कैसा लग रहा था? देखिए अभी तक तो हम मुंह में ऐसे गंदा तरीके से पैसा नहीं लिए हैं, हाथ में लेते तो हाथ उधर ऐसे पकड़ता है, उसमें मतलब किस करता है, अजीब जैसे व्यवहार करता है, अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा था शुरू शुरू में? बहुत बेकार बेकार लग रहा सोच रहे थे, पता नहीं कहाँ आ गए, कितना गंदे लाइन में ऐसे। भाई, इनकी सहेली इनको धोखा दे दी। लोग जैसे और किसी का बॉयफ्रेंड धोखा देता है, और इनकी जो सहेली थी वही इनको ला के ऑर्केस्ट्रा में फंसा दी। अब भी आप ऑर्केस्ट्रा में कितने दिन से काम कर रही हैं? तो अभी लगभग 2 साल हो रहा है, अभी आप ठीक ठाक हैं कि पहले जैसा ही है? अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी कितना कमा लेती हैं? अभी 15,000 15,000 महीने का? नहीं डे 1 दिन का 15,000? बताइए, 1 दिन का 15,000 कमाती है? हाँ 15,000 कमा रहे, शुरू में 3,000 ऐसे देते। अच्छा, आप लोग 1 दिन का 15,000 कमाती हैं, जो लोग आप लोग को पैसा पकड़ाता है वो लोग कितना कमाते हैं आप लोग सोचती हैं? आप लोग को जो दया माया नहीं लगता है कि वो लोग कम कमाते हैं? क्या बोलते हैं, जो नहीं होता है मतलब पेमेंट अलग होता है, जो लोग नहीं पब्लिक नहीं जो लोग आपको पैसा पकड़ाते हैं 100 200, उन लोगों के बारे में आप लोग सोचती नहीं है कि ये कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा? आपको खुश करने के लिए 100 200 दे रहा है, कहाँ से दे देखिए, रहा जब सामने वाला खुद ही दे रहा, हम मांगने तो नहीं जा रहे हैं, जब उनको पैसे देने से इतना खुशी मिलता है तो हम हंस हंस के और पैसा ले लेते हैं, हम तो बोलते दो। है? आप लोग मन में सोचते होंगे कि बेवकूफ है, नहीं कमाता है ऐसा नहीं नहीं, सोचते, हम तो सोचते आप 15,000 दो, पटा कमा रहे फिर भी ले रहे लेंगे हैं। तुमको, माल वाला लड़का है। बताइए, 1 दिन में 15,000 कमाती है, ऊपर से छूट भी लेती है, और देना है तो और भी दो, है ना? माल हाँ वाला तो नहीं है, माल वाला पैसा नहीं देगा, आप लोग बात समझती है ना? माल जो पैसा वाला होता देते क्यों नहीं, वो तो 100 100 500 का नोट देते हैं। तो कोई कोई होता है, बहुत सारे लोग तो सटने भी नहीं देते। देखो हम जितना कमाते हैं ना उतना खर्चा भी होता है, हमारा लहंगा लुंगा नहीं होता है, वो तो 4 5 हज़ार का तो एक लहंगा होता है, बताइए मेकअप कितना होता है, ऊपर से खाना पीना उसमें ही चले जाता है, ये बात नहीं है कि बचेगा। अच्छा, लोग आपको बोलते हैं कि आप रशियन गर्ल हैं, तो आपके ऊपर गाना भी बजता है जब आप जाते हैं प्रोग्राम में, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक ने मुझे रशियन नाम से जानते हैं। ये आपका बाल का जो कलर है ये नेचुरल है कि आप कराई हैं? नहीं नहीं ये नेचुरल नहीं है, मतलब रंग लगाई हूँ मैं, पहले ब्लैक थे तो चाइनीज बोलते थे, अब रशियन बोलते थे गोल्डन।
चलिए ठीक है। आप फर्स्ट में जब बिहार में आई किसी ऑर्केस्ट्रा में आपको भर्ती करा दिया गया, तो आप उसका विरोध नहीं की कि मैं डांस नहीं करूंगी ये वो? हम बोले तो घर से भी भाग कर आए थे, तो मम्मी को अचानक से नहीं बोल सकते थे क्योंकि मम्मी भी दुख मतलब परेशानी में आ जाएगी। कहाँ, एक तो पापा बीमार थे और ऊपर से मैं परेशानी में हूँ, तो कितना मतलब कहाँ देखेगी मम्मी, तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। आप पापा क्या करते हैं? पापा मतलब गरीब है हम लोग बहुत ज्यादा, पापा नहीं होता है मतलब ड्यूटी क्या बोलते जो क्या बोलते उसको, एक फैक्ट्री में काम नहीं होता है। जॉब करते थे प्राइवेट जॉब? हाँ। अच्छा, आप अभी 15,000 एक दिन का कमा रही है, तो आप गरीब थोड़े हैं, तो आप धनी हो जाएंगे ना? अब ये ठीक है, पहले बहुत मतलब बहुत दुख था शुरू शुरू में, किसी भी आदमी को बहुत मेहनत करोगे मेहनत का फल मीठा ही होता है ना। आपके ग्रुप में अभी कितना लड़की है? अभी एक पार्टी का ग्रुप चार, तो लड़की होगी ना कितना? हम चार लड़की है और एक दिशा दी पांच। अच्छा, पांच आदमी आप लोग। आप लोग की लड़कियों जो ग्रुप की लड़कियां होती है उन लोग गुटखा खाती है, बहुत सारे लोग दारू पीती है, तो इस पे क्या कहेंगे? हमारे ग्रुप में तो ऐसा कोई नहीं खाता है, बट बहुत लोग पीती है मतलब खाती है। इधर के बिहारी लोग भी तो गुटखा खाते है, कितना गंदा। नेपाली लोग नहीं खाते? चीची, नेपाली लोग खाते है? नहीं नहीं, नेपाली लोग भी खाता है, बिहारी लोग, कोई भी इसी ऐसा कोई दुनिया नहीं है जिसमें ये नहीं चलता, बट बहुत अजीब लगता है उनका मुंह देखिएगा जरा। चलिए, यहाँ पे सब कोई नहीं खाता है, मैं तो नहीं खाता हूँ। नहीं नहीं, आप अच्छे हो तो इसलिए नहीं खाते हो, हम अच्छे तो इसलिए नहीं खाते, कैमरा मैन अच्छे तो वो नहीं खाते है, तो इसलिए मतलब ऐसी बात नहीं है, कोई कोई मतलब खाता नहीं उनका। आप देखिएगा ना, आप तो बिहार में रहते हो तो जानते होंगे। तो सभी जगह का मैं देखता हूँ, सभी हर देश में लोग खाते हैं। हाँ, आप नेपाल से भी खाते हैं। नेपाल से बिहार में आई हैं, तो वहाँ से और यहाँ में क्या फर्क आपको लगता है? कोई फर्क नहीं, सेम टू सेम है, बट बोली भाषा चेंज है, लैंग्वेज। नेपाल में कहाँ से है? काठमांडू। अच्छा, काठमांडू, वो सब पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलता है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, जो हम काठमांडू में रहते ना वो पहाड़ी इलाका नहीं है। आप नेपाल की हैं, तो आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, जैसे वहाँ पे होता है कि सब चीज मतलब ओपन होता है, किसी से शादी करो किसी के साथ रहो, रोक टोक नहीं होता है, कोई लड़का के लड़का लड़की के साथ घूम सकता है, लड़की लड़का के साथ घूम सकता है, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए मतलब जो मतलब साथ बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, ओपन होता है सब। हाँ, अगर माँ बाप मम्मी पापा जैसे राजी हो गए शादी के लिए, तो जो लड़का वाला नहीं है लड़की को देखने आता है, हाथ मांगता है। यहाँ पे जितना वो जैसे पेरेंट्स लोग हैं अपने बच्चे को देखते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते हैं, किसी लड़की से बात नहीं करने देते हैं, तो ये सब मैं सुना हूँ कि बिहार नेपाल में कम होता है। अच्छा, देखिए हर जगह एक जैसा नहीं होता है, नेपाल में भी वैसे नहीं होता है। कैसा होता है एक बार बताइए? मतलब घर में बिठाते हैं, नहीं हर कोई 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 होता है खुले ओपन करता है, जैसे बिहार में भी तो कोई कोई होता है ओपन होता है, वैसे भी मतलब सेम टू सेम। सेम टू सेम बिहार और नेपाल एक ही है? एक ही समझो, बस इधर के लोग अलग है मतलब भाषा अलग है, उधर नेपाल का भी भाषा अलग, इसलिए बस लैंग्वेज फर्क है बाकी सब। और इधर मतलब दहेज देता है लेता है, मतलब लड़की देखने जाती है लड़की को, है ना, हमारे नेपाल में लड़का लड़की को देखने आता है और दहेज ना लेता है ना देता है। अच्छा, तो है वहाँ भी लोग लेते हैं मैं सुना हूँ? नहीं नहीं, दहेज नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, क्या बोलते, अगर मतलब जो मायके वाले हैं अपने मर्जी से प्यार से मतलब देंगे कुछ भी तो ले लेंगे, पर दहेज ना मांगते हैं ना देते हैं, बस लड़की देते हैं। चलिए ठीक है, ये है निशा, निशा बताएंगे। दीक्षा, ये है दीक्षा जी, और ये काफी खुला मिजाज की है, जो भी जानकारी दी है एकदम सही सही दी है, बहुत सारा चीज़ है जो लोग हम लोग नेपाल के बारे में नहीं जानते हैं, केवल सुने हैं, और इनके माध्यम से हम लोग को सुनने को मिला। अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे? अंत में कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, रसियन नाम से मुझे जान रहे हो, पहचान रहे हो, और ऐसे ही प्यार से भी नेपाल का और हिंदुस्तान का भी रिश्ता आप जानते हैं ना। हाँ। नेपाल को ससुराल बोला जाता है राम जी का, तो राम जी यहाँ के थे और नेपाल में, इस पर क्या कहिएगा? हाँ सही बात है, हम भी नेपाल को मायका बनाएंगे, बिहार को ससुराल बनाएंगे। किसी को पसंद किए हैं? अभी नहीं किए पसंद। सही बताइए। हाँ? क्या दर्शक को पसंद करेंगे क्या? दर्शक को सबको पसंद, सब पसंद है, पर जो मैं अकेली लड़की किसी को पसंद किए कि नहीं बिहार में? अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी दोस्त लोग हैं बहुत। बोल दीजिए क्या मैं कुछ बोलिए ना, बात मत, आप बताइए किसी को पसंद किए कि नहीं? नहीं, सबको अच्छे लगते हैं, बट ये तो नहीं, मैं जो भी अच्छा लगे उससे शादी, कोई दोस्त की तरह से। अभी कोई, कोई आपको पसंद पड़ा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो। आपका उम्र कितना हुआ? 19 साल की, झूठ बोल रही है।
कसम अपना साल कौन पढ़े लिखे कितना है पढ़ाई लिखाई 10 दसवीं तक पढ़ी है। चलिए ठीक है, बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताइएगा? नहीं नहीं उसको पर्दा ही रखिए। अच्छा पर्दा खुलेगा तो बुलाइएगा ना? नहीं नहीं फिर भी नहीं, जो गए सो गया। चलिए ठीक है, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा और इनका अगला अपडेट आप लोग को आगे मिलेगा।